हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आपकी प्रैक्टिस क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज आपका 90% कोर्स भी कंप्लीट होने वाला है। सो गाइस, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, कल आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो प्रैक्टिस क्लास है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट स्टूडेंट्स उसको लाइटली लेते हैं मुझे लगता है, बट यू शुड नॉट टेक दिस लाइटली। ओके, सो अगर आप लोग नए हमारे YouTube चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं, हमारी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, सब कोर्सेज व डे बाई डे देखिए जैसे सीक्वेंस में लगे हुए हैं वैसे। सो आज जो हमने 5:30 बजे की क्लास में आपको समझाया था उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैं पहले आपको कुछ समझा देता हूँ बोर्ड पर। ये एक पर्सन है, मुझे इसका नाम नहीं पता, तो ये मेरे लिए ही है क्योंकि एक लड़का है। और इसी के बराबर में एक लड़की भी खड़ी है, लेकिन मुझे इसका नाम भी नहीं पता, तो आई विल कॉल इट शी। और कुछ लोग खड़े हैं, पता नहीं किसके रिश्तेदार हैं, तुम्हारे हैं, मेरे हैं, बट फिर आज अब पता नहीं, एक बच्चा भी है तो हमें ये नहीं पता, तो हम इनको बोलेंगे दे। इसी के साथ सबसे पहले हम कुछ इनसे क्वेश्चन पूछेंगे। प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है, मैं पहले इनसे क्वेश्चन पूछूँगा हिंदी में, फिर इंग्लिश में, फिर ये मुझसे पूछेंगे इंग्लिश में, और उसके बाद हम लोग कुछ ट्रांसलेशन करेंगे जो कि क्वेश्चन पूछने में हेल्प करेगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, और इस सेशन में आप सीखते हैं कि कैसे लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उनको आंसर्स दिए जाते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आप बताइए, जो क्लास 5:30 बजे होती है उससे रिलेटेड है ये सब चीज़ें जो मैं पूछ रहा हूँ। बताओ मुझे, क्या आपको गाना गाना चाहिए था? Yes, I should have sing song. I should have sung song. ठीक है, कोई बात नहीं, she got it but late. Okay. क्या आपकी मम्मी को मेरे लिए खाना बनाना चाहिए था? Yes, my mother should have prepared food for you. क्या मुझे आपकी मम्मी के साथ मार्केट जाना चाहिए था? No. You should not have gone market with my mother. Okay, देखा, she is replying, और ये बहुत ठीक चीज़ है, ठीक है, it is very good. अच्छा, क्या तुम्हें English बोलनी चाहिए थी बचपन में? Yes, I should have spoken English in my childhood. क्या उसे तुम्हें कुछ बताना चाहिए था? Yes, he should have told me something. Okay, क्या आपको अपने पापा के साथ ऑफिस जाना चाहिए था? No, I should not have gone office with my father. ठीक है, समझ में आया। She is able to answer me. कैसे? 5:30 बजे की क्लास देखकर, ठीक है, आप भी हो जाओगे अगर आपने देखी है। तो आप लोग क्या करते हैं भाई, जब when I ask her questions, then it's your duty to reply, क्योंकि मैं सुन नहीं सकता आपकी बात, but it's your duty, आपको reply करना पड़ेगा। ठीक है, सोचिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग, आई विल आस्क हर क्वेश्चन इन इंग्लिश, और अब की बार तो आंसर दे देना यार कम से कम। ठीक है, टेल मी अबाउट योर फादर, शुड योर फादर हैव टोल्ड मी समथिंग? यस माई फादर शुड हैव टोल्ड यू समथिंग। ओके, शुड आई हैव प्लेड खो खो? नो, यू शुड नॉट हैव प्लेड खो खो। ओके, शुड यू हैव वॉश द डिशेज? No, I should not have washed the dishes. Okay, should your father have purchased a new phone? Yes, my father should have purchased a new phone. Okay, should we sold our camera? Yes, we should have sold our camera. Okay, should we have purchased a new camera? Yes, we should have purchased a new camera. Okay, should your family have earned money? Yes, my family should have earned money. ओके, सो शी गॉट इट एवरीथिंग, एंड नाउ हम इनको दे रहे हैं कुछ नोट्स। ये नोट्स आप लोगों के पास भी है गाइस, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, नोट्स आर अवेलेबल फॉर यू एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं है। नेक्स्ट थिंग जो आप लोगों को करनी है वो इन चीज़ों का यूज़ करके क्वेश्चन पूछने हैं, बिकॉज आस्किंग क्वेश्चन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो मैंने आप लोगों के लिए नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए थे,
सो नाउ इट्स हर ड्यूटी, अब ये मुझसे टू टू क्वेश्चंस पूछेंगी एवरी टाइम, और आपको भी पूछना आना चाहिए. ओके, शुड यू हैव स्लेप्ट मी? नो, आई थिंक आई शुड नॉट हैव स्लेप्ट यू. शुड यू हैव प्लेड विद योर डॉटर? यस, आई शुड हैव प्लेड विद माई डॉटर. शुड दे हैव गोन पार्टी? यस, दे शुड हैव गोन टू पार्टी. Should they have made video with you? No, they should not have made video with me. Should we have watched your video? Yes, you should watch. You should have watched my videos. Should we have liked your video? Yes, you all should have liked my video. Okay. Should he have plucked a flower? No. He should not have plucked the flowers. Should he have danced on the road? No, he should not have danced on the road. She should have. Should she have? Sorry. देखना पड़ेगा. Okay. Should she have made notes? No, I think she should not have made the notes. Should she have spoken English? Yes, she should have spoken English. Okay. Should your mother cooked pizza? No, she should not have baked pizza. Baked pizza. Okay, sorry. Should your father have bought new clothes for you? Yes, my father should have bought new clothes for me. Okay, so it is done. और ये notes आपके पास भी हैं, download कर सकते हैं. So अभी तक बहुत simple सा target रहा है, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या होने वाला है. Guys, अब हम लोग translation करेंगे. अब मैं कुछ sentences बोलूँगा जिनको आपको translate करना है. जैसे, क्या हमारे पापा को हमारे लिए एक pen खरीदना चाहिए? Translation करना है. Should our father have bought a new pen? For us. Okay, तो इसी तरीके से ट्रांसलेशन करवाएंगे. लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ क्वेश्चन वर्ड लिख रहा हूँ मैं. ये कुछ क्वेश्चन वर्ड हैं और जिनको आपको ध्यान देना है, जैसे वेयर, राइट, वैन, हाउ, वाई, हु, राइट, हुम, एंड सिंस वैन, and what time. Okay, so ये कुछ लिखे हैं मैंने. सारे मुझे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस काल यूज़ कैसे होना है, राइट. सो अब हम लोग पहले यहाँ नॉर्मल ट्रांसलेशन करने वाले हैं, ठीक है. उसके बाद हम लोग इन क्वेश्चन वर्ड्स को लेकर भी एक सेशन करेंगे, ठीक है. अब आपको ट्रांसलेशन करने के लिए मैं सिर्फ 2 seconds दूंगा, ठीक है. बताइए, क्या हमें खेलना चाहिए था? क्या हमें खेलना चाहिए था? Should we have played? क्या हमें खेलना चाहिए था? Should we have played? क्या तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी? Should you have talked with him? Should you talked with him? राइट, शुड यू हैव का इम्पोर्टेंट रोल है. ओके, क्या तुम्हारी मम्मी को खाना बनाना चाहिए था? Should your mother have cooked food? क्या तुम्हारी मम्मी को खाना बनाना चाहिए था? Should your mother have cooked food? क्या उसे हमसे कुछ पूछना चाहिए था? क्या उसको हमसे कुछ पूछना चाहिए था? Should he have asked something from us? क्या उसे हमसे कुछ पूछना चाहिए था? क्या मुझे नया पेन खरीदना चाहिए था? क्या मुझे एक नया पेन खरीदना चाहिए था? Should I have bought a new pen? क्या मुझे नया पेन खरीदना चाहिए था? क्या उसको तुम्हारे घर आना चाहिए था? क्या उसको तुम्हारे घर आना चाहिए था? Should he have come to your home? Come to your home. Come to your.
शुड ही हैव कम टू योर होम? क्या मुझे मेरे पापा को कुछ बताना चाहिए था? क्या मुझे मेरे पापा को कुछ बताना चाहिए था? शुड आई हैव टोल्ड समथिंग टू माई फादर? शुड आई हैव टोल्ड समथिंग टू माई फादर? क्या मुझे मेरे पापा को कुछ बताना चाहिए था? क्या हमें स्कूल लेट जाना चाहिए था? क्या हमें स्कूल लेट जाना चाहिए था? शुड वी हैव गोन स्कूल लेट? ओके, सो यहाँ तक ये नॉर्मल ट्रांसलेशन था. आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आई होगी. अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन वर्ड को लेकर, ठीक है? वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हू, व्हाट टाइम, ठीक है? अब पहला क्वेश्चन, आपको किस समय मंदिर जाना चाहिए था? बताइए, आपको किस समय मंदिर जाना चाहिए था? When should you have gone temple? What time? फैन भी काम कर जाएगा, लेकिन जब एग्जैक्ट टाइम की बात करी जाएगी तो व्हाट टाइम. सो व्हाट टाइम शुड यू हैव गॉन टू टेंपल? उसे किस समय तुम्हें कॉल करनी चाहिए थी? बताओ, उसको तुम्हें किस समय कॉल करनी चाहिए थी? व्हाट टाइम ही शुड नो व्हाट टाइम शुड ही हैव कॉल्ड यू? What time should he have called you? उसे तुम्हें किस समय बात करनी चाहिए थी, ठीक है? अच्छा, next, how? तुम्हें स्कूल कैसे जाना चाहिए था? तुम्हें स्कूल कैसे जाना चाहिए था? How should you have gone school? How should you have gone to school? अच्छा, हमें कैसे खाना खाना चाहिए था? बताओ, हमें कैसे खाना खाना चाहिए था? How should we have eaten food? How should we have eaten food? हमें किस तरीके से खाना खाना चाहिए था? How should we have eaten food? Sorry. हमें कौन सा माइक खरीदना चाहिए था? This is Boya माइक actually. हमें कौन सा माइक खरीदना चाहिए था? Which mic should we have bought? Which mic should we have bought? Right? Next. Why? उसे तुमसे क्यों पूछना चाहिए था? उसे तुमसे क्यों पूछना चाहिए था? Why should he have asked you? Why should he have asked you? उसे तुमसे क्यों पूछना चाहिए था? राइट, सो गाइज, आई होप आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी आज के सेंटेंसेस में. और काफ़ी टाइम से अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो ये बात आपने देखी होगी कि हमारा एक प्रोसीजर है, बिल्कुल सिंपल सा, कोई ऐसी चीज़ नहीं आपको. लेकिन शुरू के 2 या 3 दिन हार्ड पड़ेंगे, लेकिन बाद के 11 डेज बहुत आराम से निकलने वाले हैं, क्योंकि एक पैटर्न है, हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं. क्लासेस सारी सेम है. अगर शुरू की 2 समझ में आई तो आप पूरा कोर्स कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. लेकिन अगर शुरू में ही गड़बड़ हो गई तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है. सो जो स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको नया कोर्स करना है, दे वॉन्ट टू रीजॉइन द कोर्स, सो वी आर गोना टू स्टार्ट द कोर्स फ्रॉम 20th of August. स्टूडेंट से न्यू कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं. और बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेरी थी कि सर हमें जूम क्लास चाहिए, सो डोंट वरी अबाउट दैट. हम कल या परसों से जूम क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? डेली 3 क्लासेस हम लेंगे, और उसमें कुछ नहीं आप लोगों का, एक बेसिक टेस्ट लेंगे, ठीक है? आई नो दैट यू आर रेडी फॉर दैट. सो हम जल्दी इसका अनाउंसमेंट करेंगे कब, कहाँ और कैसे टेस्ट लेना है. आप सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लासेस पे फोकस कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और मिलते रहिए हमें यूट्यूब चैनल नवे एजुकेटर पर. थैंक यू वेरी मच गाइज, और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें. बाय.